हेलो फ्रेंड्स, फूडी रेमेडी इन्फो के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन की रेसिपी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और ऐसे यूनिक रेसिपीज के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बड़े बर्तन में मैं ले रही हूँ ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी, ग्रेट किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रेट किया हुआ पनीर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ बीन्स, थोड़ा सा बीन्स ले रही हूँ मैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ हाफ टेबल स्पून अदरक, हाफ टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैदा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, 1/4 टेबल स्पून नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इन्हें हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लगता है अगर इस तरीके से आप मंचूरियन बनाते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ देखिए हमारे सारे सब्जियाँ जो है मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके बॉल तैयार करेंगे। बॉल आप अपने साइज के अपने अकॉर्डिंग जो है साइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साइज दिया है बॉल को। इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे बॉल तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारे सारे बॉल तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ गैस पर कढ़ाई में तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने बॉल्स को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो बॉल है ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से बाकी बॉल्स को भी हम फ्राई। अब यहाँ एक कढ़ाई मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ग्रेटेड किए हुए अदरक और लहसुन। अब इसमें एक मिर्च को लंबे लंबे शेप में कट करके ऐड कर रही हूँ। इनको 30 से 40 सेकंड तक भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, थोड़ा सा प्याज है और बीन्स और शिमला मिर्च। अब इन सारी सब्जियों को हम हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। जब हमारी ये सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। तो यहाँ मैंने अभी 1 टेबल स्पून ही ग्रीन चिली सॉस ऐड किया था, तो 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस हम इसमें और ऐड कर लेंगे। ग्रीन सॉस की जगह पर हम रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इस कॉर्नफ्लोर से हम एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम घोल को तैयार कर चुके हैं, देखिए। अब इसे हम ऐड कर देंगे अपने तड़के में। तो यहाँ पर मैंने तड़के में घोल को ऐड कर दिया है। ऐड करते समय का वीडियो जो है स्किप हो गया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब धीमी आँच पर ही हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। जब हमारा घोल गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे धीमी आंच पर 1 मिनट तक पकाएंगे। जब हमारा घोल गाढ़ा हो जाएगा फिर इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ अपने तैयार किए हुए बॉल्स। बॉल्स को ऐड करने के बाद हम 30 से 40 सेकंड तक इसे धीमी आँच पर पकाएंगे। और अब हमारा यहाँ वेज मंचूरियन बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वेज मंचूरियन घर पर तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।